हेलो माय डियर टू फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। गाइस, तो आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों। और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस भी है, तो गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को हार्दिक बधाई। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब भी कोई त्यौहार होता है या कुछ ऐसा होता है जब भी हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो उस मौके पर हम किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस बनाकर एकदम से चलें, और किस तरह से 32 बार भी करते रहें, और कैसे समय निकालें। तो गाइस, देख सकते हो आप, अभी तो खैर सुबह का समय है, और इसमें अपने सारे घर के जो ऊपर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सारे होने के बाद हम यहाँ पे अभी नहाए नहीं हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जी जो आज बनने वाली है वो काट छील के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू, देख सकते हो आप, आलू छील रहे हैं, और मटर भी छील के रख लिए, प्याज लहसुन वगैरह सब हमने इसी तरह से बैठे बैठे यहाँ पे छील लिया, काट लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी पिया हुआ है अभी एक ग्लास, और इसी तरह से बैठ के हम पानी पीते हैं। और उसके बाद काफ़ी दूसरा ग्लास हमने रख दिया था ओवन में, और हम इतना अपना काम निपटाने लगे कि कुछ देर रुकने के बाद फिर हम दूसरा ग्लास पीते हैं। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो काट छील के हमने कर ली थी तैयार गाइस, और उसके बाद कुछ काम रह गया था किचन का जिसको हमने कंप्लीट किया, और तब तक यहाँ पे हो चुका था पानी भी गर्म। तो ये हमारा दूसरा ग्लास है जो कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो भैया जी डांस स्टेप कर रहे हैं, जो कि हमसे पूछ रहे हैं कि माँ किस तरह से करनी है। तो बस उसी को हम बता रहे हैं उन्हें कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो वो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जब भी उन्हें आ जा रही है, करने का तरीका आ जा रहा है, डांस की स्टेप पूछ रहे हैं देख सकते हो आप। तो बस गाइस, इसके बाद में पी लेंगे फटाफट से एक गिलास और गर्म पानी। जब हम काफ़ी बिजी होते हैं तो गाइस पानी पीना भूल जाते हैं अक्सर ही, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखिए, आप पानी पीना बिल्कुल मत भूलिए। और कुछ चीज़ें हैं जो वेट लूज़ के लिए, त्यौहार जब भी होता है कोई, यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दिखने में छोटी लगती हैं पर उनका काम बहुत बड़ा होता है, उनका रोल बहुत बड़ा होता है, वो हम भूल जाते हैं। तो बस इन चीज़ों को याद में रखना है कि अपने काम भी निपटाते रहें, और साथ ही साथ आप पानी भी पीते रहें, और जब भी आप अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें तो उसको 32 बार च्यू करके करें। तो दोस्तों, उसके बाद हमने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे नहा लिया है, और नहाने के बाद यहाँ पे हम हो रहे हैं रेडी। और इसके बाद में सबसे पहले हम बनाएंगे हलवा, और बच्चों से भोग प्रसाद लगवाएंगे, हलवे का पूजा पाठ होगी गाइस। तो देख सकते हो आप, हलवे की तैयारी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए घी डाला, और ये वही घी है जो कल हमने बनाया। तो गाइस, आप देख सकते हो कितना अच्छा घी बना है, कितना ही दानेदार घी बना है। अच्छे घी की यही पहचान होती है कि वो काफ़ी दानेदार हो। तो बस घी गर्म होने के बाद हमने इसमें रवा जो है उसको छान दिया, और थोड़ी देर तक भूना है, और इसको कुछ हम थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं। इसमें 2 चम्मच हम बेसन भी ऐड करते हैं, काफ़ी टेस्टी बनता है बेसन ऐड करने से। और बस इसको फ्राई कर लिया, और फ्राई करते समय ही हमने इसमें वो पीला जो रंग होता है ना वो ऐड कर दिया। सॉरी गाइस, नमक बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मीठा हलवा बनेगा, तो पीला रंग ऐड कर दिया। और बस क्योंकि आज भोग प्रसाद लगाया जाता है सरस्वती माता को और गणपति जी को, तो उसके लिए हमें पीला हलवा ही बनाना होता है। और पकने के बाद में हम इसमें चीनी ऐड करते हैं, और 2 चम्मच घी ऐड करते हैं, जिससे कि देख सकते हो आप, जो रवे के जो दाने हैं कितने ही बड़े बड़े से एकदम फूले फूले से, सूजी जो है कितनी अच्छी हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट यमी हलवा बन के तैयार होता है गाइस ये। तो जब भी पूजा पाठ के लिए बनाते हैं तो हम इसी तरह से बनाते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा लचीला हलवा हमें पसंद है, ऐसा हलवा पति जी को ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसा ही बनाया करो। तो हमें और बच्चों को जो हल्का सा उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा रहती है वो हलवा हम लोगों को अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बच्चों के हाथ से फ्लावर्स और जो बसंत वगैरह होते हैं वो चढ़वा दिए, और पूजा पाठ करा ली गाइस, और यहाँ पे बन रहा है खाना पीना, और पति जी भी आगे हो गए खड़े यहाँ पे। हेलो गाइस, तो आज है बसंत पंचमी, तो हमने पहनी है येल्लो साड़ी, और हम बना रहे हैं मटर आलू की सब्जी और पूड़ियाँ,
और गाइस आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है बसंत पंचमी, कितनी सारी पतंगे उड़ती हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने मसाला भून रहे हैं अभी कढ़ाई में और पटेटो कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बाकी सारी प्रिपरेशन ये सुबह ही आपके साथ शेयर करी थी, करके रख दी थी। और अभी हम नहा के आए हैं, हमने पूजा भी कर ली है और अब हम बस फटाफट से बना लेंगे। गाइस पनीर मटर आलू मेथी ये सारी चीज़ें, मतलब पति जी ये बोल रहे थे कि पहले आलू और मटर भी बना लो दोपहर में और शाम को पनीर बना लेना। बट गाइस हमने घपला ये कर दिया कि आलू मटर पनीर सब कुछ एक साथ बना लिया। सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, शाम को नहीं बनाने वाले हम, यही सब्जी शाम को भी हो जाएगी क्योंकि गाइस काम कुछ ज़्यादा है। तो हम सोच रहे हैं आज कुछ वैसे वाले काम निपटा, पता है कि जब पति जी देखेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा वाला झटका लग जाएगा कि ये क्या कर दिया। बट कोई बात नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, आई नो वो खा लेंगे क्योंकि ये सब्जी जो हम बना रहे हैं ना ये भी टेस्टी काफ़ी है। और सब्जी बन रही है, जब तक हम क्या करते हैं ना कि अपने लंच की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए हमने थोड़ी थोड़ी सी तैयारी कर ली है, थोड़ी थोड़ी सी ये कि हमने लौकी को पील कर लिया है, लौकी का रायता बनाएंगे हम आज और ज्वार की रोटी बनाएंगे अपने लिए एक और अदरवाइज पूड़ियाँ बना देंगे। तो बस चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम लौकी का रायता कैसे बनाते हैं। बहुत ही यम्मी रायता बनके तैयार होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है दोस्तों। तो जी यहाँ पे हमने लौकी के रायते के लिए लौकी को पील करके उसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद में उसको ग्रेट कर लिया और 2-3 मिनट के लिए थोड़े से पानी के साथ, क्योंकि वो उसका खुद का पानी बहुत सारा रिलीज होता है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉईल करने के लिए। एक थोड़ा सा पानी हम ऐड करते हैं और उसको बॉईल कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। और तब तक देखिए यहाँ पे हमने दही जो है उसको अच्छे से फेंट लिया और लौकी को बॉईल करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दही में ऐड कर दिया क्योंकि दही फट जाएगी अगर हम गरम गरम इसमें ऐड कर देंगे। और 3 मसाले डाल दिए हैं इसमें गाइस, रायता मसाला है, लाल मिर्च है और काला नमक है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने अपना ब्लाउज जो है वो चेंज कर लिया है क्योंकि उस ब्लाउज में काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी थी गाइस, तो उस ब्लाउज में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। और अब तो जी दोपहर का लंच तो बन के हो चुका है तैयार, आलू मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ रायता ये सब बन के रेडी हो चुका है और सौम्या खा रही हैं अभी खाना और तब तक हम बना रहे हैं अपना लंच जिसके लिए बने हुए रायते में हमने तड़का लगा दिया। यहाँ पे थोड़े से ऑलिव ऑयल और जीरे के साथ हमने यहाँ पे तड़का लगा दिया, जीरा थोड़े से ज़्यादा क्वान्टिटी में डाला क्योंकि जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस रायते में। सो हेलो गाइस, मैं तो खा रही हूँ अपना खाना और माँ बना रही है अपने लिए ज्वार की रोटी। और गाइस खाना बनाया इतना ज़्यादा टेस्टी मैं बता नहीं सकती, खास करके ये रायता, ये देख सकते हो लौकी का रायता, सो यम्मी। अभी मैं मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा टेस्टी बना रायता और मैं 32 टाइम्स ट्री करके खाऊंगी। और अब आप देख सकते हो रायता हमारा तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं, ज्वार की रोटी बना रहे हैं गाइज और छोटी छोटी सी रोटियाँ बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से अब बन जाती हैं। तो बस ये जो ज्वार की रोटी है ना गाइज ये बहुत ही ज़्यादा लो फैट होती है, फैट जो है वो इसमें नाम मात्र के लिए ही होता है। तो बस इसको ही खाइए आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो और 32 बार च्यू करके खाइए दोस्तों। तो हमें सिर्फ 2 ही रोटियाँ बनानी थी इसलिए हम गैस का ही यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम ये रोटियाँ चूल्हे पर ही बनाते हैं क्योंकि अंदर तक सिक जाती हैं, चूल्हे पर बहुत अच्छी सिक जाती हैं। बट गैस पे भी हमें इसमें लगभग बनाने में 15 मिनट लगे क्योंकि इसको अंदर तक सेकना है और धीमी आंच पर सेकना है। तो गाइस हम बना रहे हैं ज्वार की रोटियां, देख सकते हो आप, और हम अपने लंच में ये खाने वाले हैं। और गाइस हमें रोटी अच्छे से बनाना आ गई है, बनाते बनाते प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो अभी हमने चीज़ नोट करी है कि हम कितनी बड़ी भी रोटी बनाते हैं ना तो बन जाती है, बट बड़ी हम बनाते हैं चूल्हे पे और चूल्हे की ही अच्छी लगती है, अदरवाइज अगर गैस पे बना रहे हैं ना तो थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी छोटी रोटी अच्छी लगती है क्योंकि वो अंदर तक सिक जाती है। तो आप देख सकते हो कि हमने थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी छोटी रोटी बनाई है। तो बस एक रोटी का आटा और बचाएगा इस, तो हम वो भी बना के। तो ये देखिए आप कितनी धीमे धीमे से, कितनी धीमी आँच पर हमने इसको बहुत देर तक सेका, लगभग 5 मिनट लगे एक रोटी को सेकने में हमें, हालांकि हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ये रोटी बन जाती है। इसको जो कोई भी झंझट रहता है बस सेकने का रहता है, धीमी आंच पे इसको देर तक सेकना होता है। तो काफ़ी देर तक हमने इसको एकदम से रेड रेड होने तक सेका ऐसे ऊपर उठा उठा के। और फिर उसके बाद गाइस थोड़ी सी पनीर बच गई थी 2-3 क्यूब्स, तो थाली जो हमारी थी थोड़ी सी सब्जी की कमी तो हमेशा ही रहती है, आप डाइट करते हो, बस आप इतना ही करिए कि आपकी थाली जो है उसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे, आपको टेस्ट पूरा पूरा मिलता रहे गाइस। तो आप आसानी से इस तरीके की हेल्दी थाली खा के अपना वेट लूज़ कर सकते हो।
तो बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और जो दो तीन क्यूब्स थे उनको क्रश करके इस तरह से डाल दिया तवे के ऊपर, और थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला वगैरह और अपना किचन किंग का मसाला जो है और नमक डाल के हमने इसको हटके से फ्राई कर लिया। और ये भी चटपटी सी, ये तो नहीं कहेंगे, बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुई है गाइस, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस एक चटपटा पन नहीं था हमारी थाली में इसलिए ये हमने इसको इंक्लूड कर लिया है, दो तीन क्यूब्स जो हमारे पास पनीर के थे। तो ये रहा हमारा रायता लौकी का और एक ज्वार की रोटी और खूब सारा सैलेड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ी सी पनीर भुर्जी सिंपल सी। तो बस इसको बना के हमारी थाली हो चुकी है रेडी गाइस। क्यों आने कीड़ो ऐसे? तो जी यहाँ पे हम अपना लंच कर रहे हैं 32 बार च्यू करके, और देख सकते हो आप पति जी बच्चे सबकी निगाहें हैं मेरी थाली पर, कोई टमाटर उठा रहा है, कोई नींबू उठा रहा है, कोई खीरा उठा रहा है, और यही होता है गाइस। तो मतलब देख के अच्छा लगता है कि हम इतनी यमी थाली खाते हैं कि सबको ही पसंद आती है। तो बस गाइस इसी तरह से अपना रूटीन दिनचर्या अपनी रखिए, काफ़ी इजी वे में आप कर सकते हो, कोई त्यौहार हो या बिजी डे हो आपका फिर भी। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पे प्रेस, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। ओके गाइज बाय, टेक केयर, गुड नाइट।